नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग व्यू मॉडल कैसे बना लें। एग्जामिनेशन कंट्रोल, एग्जामिनेशन सिस्टम के हम लोग सबसे पहले व्यू मॉडल्स बना लेते हैं ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि होटल वाला भी प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, तो हम लोगों ने यही तय किया कि एक बार के लिए व्यू मॉडल बना लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मॉडल्स जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग अगर आप लोग देखें कि हमारे पास जो VLL है, एक व्यू मॉडल्स हमारे पास प्रोजेक्ट है, एक वेब है, एक हमारे पास डाटा सेक्शन है, आप लोग देख सकते हैं कि, और एंटिटीज में हम लोगों ने ऑलमोस्ट एंटिटीज कंप्लीट कर ली है डाटा वाले सेक्शन के अंदर, जो कि हमारा मॉडल का पार्ट है, एक व्यू मॉडल का पार्ट है। इसमें हम लोगों ने जो एंट्रीज हैं वो नहीं की हैं, तो हम लोग पहले वो ऐड कर लेते हैं। तो पहले सारे के सारे व्यू मॉडल्स हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट व्यू मॉडल के नाम से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट व्यू मॉडल, और एक्चुअली में प्रोजेक्ट जो है थोड़े से बड़े ही होते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि विदाउट जो है अगर आप लोग सीखेंगे नहीं तो क्या मतलब है फिर उसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट व्यू मॉडल तैयार करते हैं, और स्टूडेंट से ही क्रिएट करना है। तो बेसिकली हम लोग डाटा एंटिटी, और यहाँ पर आप लोगों के पास स्टूडेंट नाम से एंटिटी है, इसी से हम लोग जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं स्टूडेंट व्यू मॉडल, ताकि हम लोगों को लिखना ना पड़े, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आईडी की बात करते हैं, उसके बाद में हम लोग जो है नेम की बात करते हैं। तो नेम के अंदर हम लोगों को ये जो है रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कौन कौन सा होगा, नेक्स्ट नेम होगा, तो अगर हम लोग डिस्प्ले नेम भी देना चाहें इसमें तो हम लोग डिस्प्ले नेम भी दे सकते हैं, डिस्प्ले टू हम लोग नेम, सॉरी नेम इक्वल्स टू हम लोग दे सकते हैं स्टूडेंट नेम। ये डिस्प्ले नेम भी प्रॉपर्टी आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों के पास है यूजर नेम, तो सिमिलरली आप लोगों के पास यही होगा, तो आप लोग जस्ट इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर आप लोग जो है ये लिख सकते हैं यूजर नेम जो आप लोगों को दिखाई देगा। नेक्स्ट में आप लोगों के पास पासवर्ड है तो वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड, उसके बाद में आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट में आप लोग लिखिए कॉन्टैक्ट नंबर, तो और रिक्वायर्ड भी अगर आप लोग इसे करना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, वरना आप लोग डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो कॉन्टैक्ट में आप लोग लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन डिस्प्ले है आप लोगों के पास, और ये आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, ओके। सो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास हो गया, एंड द नेक्स्ट इज आप लोगों के पास सीवी फाइल नेम है, तो आप लोग इस पर भी डिस्प्ले नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि सीवी फाइल नेम आप लोग डाल देते हैं सीवी ओनली, तो यहाँ पर आप लोग सीवी डाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट में पिक्चर फाइल नेम है, यहाँ पर सीवी फाइल नेम है, पिक्चर फाइल नेम है आप लोगों के पास स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों के पास है क्लास भी आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं, ग्रुप्स आईडी भी आप लोग, ग्रुप आईडी भी आप लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास है ग्रुप्स आईडी, तो आप लोग लिख सकते हैं ग्रुप आईडी इनफ है, एंड क्लास के लिए भी आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, तो प्रॉप आप लोग सॉरी प्रॉप इंटीजर, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाकर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास, ठीक है। जो ग्रुप्स होता है वो क्लास से ही रिलेटेड होता है, और इसके बाद में आप लोग लिख सकते हैं आईफोम फाइल, पिक्चर फाइल और सीवी फाइल, आईफोम फाइल दोनों के लिए लगाएंगे क्योंकि हम लोगों को यूज तो यही करना पड़ेगा ना, तो हम लोग लिखेंगे प्रॉप। ग्रुप्स आईडी हो गई आप लोगों की, क्लास आईडी हो गई आप लोगों की पास, प्रॉप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट व्यू मॉडल, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट व्यू मॉडल, ठीक है, और ये स्टूडेंट लिस्ट आ जाएगी। ओके, गेट सेट हो गया। टोटल काउंट भी आप लोगों को लिखना है इसमें, ताकि हम लोग लिस्ट का जो नीचे दिखाएंगे ना पेजिंग करके, तो उसके लिए हम लोगों को यही जरूरत होगी टोटल काउंट की, ताकि कितने रिकॉर्ड हैं एक उसमें स्टूडेंट्स के पास, तो ये उसी के काम आएगी। एंड नेक्स्ट प्रॉप आईफोन फाइल, ये हो गया आईफोन फाइल, एंड आईफोन फाइल जो है आप लोगों के पास फीचर्स इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, तो
इंस्टॉल कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट आप लोगों के पास इसको हम लोग लिख देते हैं पिक्चर फाइल, ठीक है, ये रिजोल्व हो गया। एंड द नेक्स्ट क्रॉप, इसमें भी हम लोग लिख देते हैं आई फॉर्म फाइल, और ये हो जाएगी आप लोगों की सीवी फाइल, ठीक है, सीवी फाइल हो गई, टोटल काउंट हो गया आप लोगों के पास, स्टूडेंट लिस्ट भी आप लोगों के पास हो गई, क्लास प्रूफ आईडी हो गई आप लोगों के पास, पिक्चर फाइल नेम हो गया आप लोगों के पास, सीवी फाइल नेम हो गया, पासवर्ड कॉन्टैक्ट वगैरह सारे के सारे हो गए। अब हम लोगों को कन्वर्जन वाला लिखना पड़ेगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। एक कंस्ट्रक्टर तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्योंकि अब कंस्ट्रक्टर पे ही चलेगा तो CTUR, ठीक है, ये तो ऐसे आप लोगों के पास एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। अब दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हम लोग मॉडल डालेंगे और व्यू मॉडल में हम लोगों को वो चीज़ कन्वर्ट करनी है ना, तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट मॉडल डालेंगे, स्टूडेंट्स मॉडल डालेंगे, तो ये रिजोल्व कर लेते हैं एंटिटी, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ये मॉडल है, ओके। एंड द नेक्स्ट इसमें हम लोग आईडी नेम यूजर नेम, जैसे कि आईडी हो गया, मॉडल डॉट आईडी हो गया आप लोगों के पास, एंड द नेम मॉडल डॉट नेम हो गया आप लोगों के पास, और अगर आप लोगों के पास नेम एम्प्टी आ जाए तो आप लोग इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं नलेबल अगर वैल्यू आए तो, यूजर नेम भी में भी आप लोग डाल सकते हैं मॉडल डॉट यूजर नेम, एंड द फाइनल इज पासवर्ड मॉडल डॉट पासवर्ड हो गया, एंड द फाइनल इज कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू मॉडल डॉट कॉन्टैक्ट आप लोगों के पास हो गया, एंड इसमें भी आप लोग जो है नलेबल वैल्यू डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट में भी। सीवी फाइल नेम हो गया, एक होता है आप लोगों के पास सीवी फाइल नेम, मॉडल डॉट सीवी फाइल नेम हो गया आप लोगों के पास, और यही हम लोग इसमें भी डाल देते हैं, ठीक है, एक हो गया पिक्चर फाइल नेम, तो इसमें हम लोगों को क्या डालना है मॉडल डॉट पिक्चर फाइल नेम। ये जो आप लोगों को दिखाई जा रहा है ना सीवी फाइल, एक्चुअली में ये कौन सी फाइल है, आई फॉर्म फाइल, ये देखिए, ठीक है, ये नीचे हम लोगों को तो जो स्ट्रिंग टाइप है वो चाहिए, ठीक है, वो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया सीवी फाइल नेम, पिक्चर फाइल नेम हो गया, क्लास इक्वल्स टू हम लोगों को चाहिए मॉडल डॉट क्लास, शायद मॉडल डॉट क्लास हम लोगों ने इसमें लिया नहीं है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ग्रुप आईडी हमारे पास आ जाएगी मॉडल डॉट ग्रुप आईडी, ये क्लास से रिलेटेड था इसीलिए मैंने इसमें ले लिया ग्रुप आईडी, ठीक है, क्योंकि मॉडल में हमारे पास ग्रुप आईडी है, तो फाइनली यहां पर आ गया आप लोगों के पास ग्रुप आईडी, ठीक है। अब हमारे पास क्या चाहिए, कन्वर्ट व्यू मॉडल चाहिए हम लोगों को, ताकि इस डाटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, सो क्रॉप स्टूडेंट्स इस चीज में बदलने के लिए चाहिए ना कन्वर्ट व्यू मॉडल, और यहां पर ये एक्चुअली में एक मेथड होगा, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या चाहिए स्टूडेंट व्यू मॉडल चाहिए, स्टूडेंट व्यू मॉडल, और यहां पर हमें चाहिए VM। बेसिकली हम लोगों को यही चीज जो है वो कन्वर्ट करनी है जस्ट रिटर्न हम लोगों को, ठीक है, तो या तो हम लोग मॉडल ही लिख लेते हैं इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एज इट इज हम लोग कॉपी कर देंगे वो चीज, ठीक है, तो ये जो कॉपी है एक्चुअली में आईडी नेम यूजर नेम पासवर्ड कॉन्टैक्ट सीवी फाइल नेम पिक्चर फाइल नेम ग्रुप आईडी, ठीक है, तो ये सारा का सारा एक्चुअली में हम लोगों को चेंज ही करना है और एज इट इज ही लिखना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न न्यू, और हम लोगों को चाहिए स्टूडेंट, रिटर्न स्टूडेंट करना है, एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर ये डाल देते हैं, बस हम लोगों को यहाँ पर सेमी कॉलम की जगह कोमा लिखना होगा, और तो बाकी सारा सब कुछ सही है, ठीक है, सॉरी,
देखिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है इन चीजों में, लेकिन प्लीज आप लोग पेशेंस रखिए, आप लोगों का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और आप लोगों को दिखाया भी जाएगा कि एक्चुअल में ये ऐसे प्रोजेक्ट जो है वैसे ही बनते हैं, और मैं वापिस से रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ सके। ठीक है, इसमें आप लोगों के पास है ग्रुप आईडी, ओके जस्ट उल्टा है, तो ये हो गया आप लोगों के पास, ओके सेमी कोलन लगा दिया मैंने, एंड फाइनली आप लोगों के पास कन्वर्ट व्यू मॉडल भी तैयार हो गया। तो ये पूरा का पूरा मॉडल जो व्यू मॉडल है वो आप लोगों के पास तैयार है अब। ठीक है, और आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज भी यही है जो मैंने लिखी है, तो फाइनली आप लोगों के पास तैयार हो गया स्टूडेंट व्यू मॉडल। अब हम लोग नेक्स्ट व्यू मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। यूजर व्यू मॉडल हम लोगों ने बना लिया, स्टूडेंट व्यू मॉडल बना लिया, अब स्टूडेंट की चेकबॉक्स लिस्ट हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम लोगों को चेकबॉक्स लिस्ट चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। किस लिए चाहिए? ताकि हम लोग चेक कर सकें कि ये स्टूडेंट इस क्लास में आता है नहीं आता है। तो उसके लिए हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग क्लास होती है एक आई सेलेक्ट लिस्ट, सॉरी सेलेक्ट लिस्ट आइटम हमारे पास होती है, तो उसकी हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। उसमें भी हमारे पास तीनों चीजें पूछी जाती है, टेक्स्ट होता है, वैल्यू होती है और आईडी होती है। लेकिन अगर हम लोग मैनुअली बनाना चाहते हैं तो हम लोग मैनुअली भी बना सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये कौन सी क्लास कहाँ काम आ रही है वो मैं सारा आप लोगों को एक ब्यौरा देके ही बताऊंगा पूरा का पूरा। तो सबसे पहले आप लोग व्यू मॉडल बना लीजिए, जैसे स्टूडेंट चेक बॉक्स लिस्ट लिस्ट मॉडल, इसका नाम रखें आप लोग स्टूडेंट, ठीक है चेक बॉक्स, ठीक है स्टूडेंट के नाम से चेक बॉक्स बनेगा लिस्ट मॉडल, इसको आप लोग क्या कर ले पब्लिक बना लीजिए। एंड फाइनली आप लोगों के पास तीन चीजें होंगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला इंटीजर यहां पर हम लोग आईडी दे देते हैं ताकि एक यूनिक वैल्यू हो इनकी, प्रॉप यहां पर हम लोग स्ट्रिंग नेम दे देते हैं, और एक बूलियन प्रॉपर्टी हो जाएगी इट्स सेलेक्टेड, ठीक है प्रॉप, और ये हो जाएगी बूल इट्स सेलेक्टेड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, ये चेकबॉक्स लिस्ट बनेगी एक, तो ये भी हमारे पास सॉरी सेव कर देते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बनेगा जैसे कि हमारे पास लॉगिन करने के लिए भी मैंने नहीं बनाया, तो मैं पहले लॉगिन का भी मॉडल बना लेता हूँ ताकि स्टूडेंट लॉगिन तो होगा ना। एंड देन फाइनली हम लोग बना लेते हैं ऐड न्यू क्लास, इसका नाम हम लोग रख देते हैं लॉगिन व्यू मॉडल। और आप लोगों को पता है ये हर एक प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीके से बना रहा हूं, तो ये सेशन के जरिए मैं बनाऊंगा एक्चुअली में प्रॉप पुराने वाले तरीके से, जो कि जैसे यूज करते थे ना पहले सेशन वगैरह यूज में लेके, वैसे हम लोग इसको ऐसे ही बनाएंगे प्रॉप स्ट्रिंग नेम, ठीक है। एंड द नेक्स्ट यूजर नेम रिक्वायर्ड होता है, तो रिक्वायर्ड पहले ही लिख लेता हूं, यहां पर आप लोगों को चाहिए स्ट्रिंग यूजर नेम, ठीक है ये लॉगिन व्यू मॉडल हो जाएगा आप लोगों का। एंड पासवर्ड भी आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो ये रिक्वायर्ड मैं लिख लेता हूं प्रॉप पासवर्ड आप लोगों को चाहिए, और एक रोल चाहिए आप लोगों को इसमें भी प्रॉप इंटीजर रोल, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉगिन व्यू मॉडल भी हमने तैयार कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों के पास जैसे कि स्टूडेंट लॉगिन कर गया, ठीक है उसके पास जो आएगा वो एग्जाम आएगा उसके बाद में, है ना, तो एग्जाम व्यू मॉडल बना लेते हैं उसके बाद में हम लोग, कि एग्जाम का जो डाटा है वो एक्चुअली में उसको कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को एग्जाम व्यू मॉडल जो है वो मॉडल ही हम लोग चेक कर लेते हैं, तो एंटिटीज में चलते हैं एग्जाम वाली में, और एग्जाम में ये सारी की सारी प्रॉपर्टी एक बार के लिए हम लोग जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं एग्जाम व्यू मॉडल के अंदर, और नहीं चाहिएगी तो हम लोग उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। यही होता है एक्चुअली में, और जो एक्स्ट्रा होती है उसको हम लोग एक्स्ट्रा में ऐड कर देते हैं बस। इसमें हम लोग लिख देते हैं एग्जाम व्यू मॉडल, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं पब्लिक क्लास एग्जाम व्यू मॉडल, ठीक है। अब हम लोगों को जो प्रॉपर्टी चाहिए है वो मैं पेस्ट कर देता हूं, तो यहां पर आ गया आप लोगों के पास आईडी इंटीजर आईडी, यहां पर हम लोग लिख देते हैं रिक्वायर्ड
ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों के पास। एंड देन फाइनली हम लोगों के पास यहाँ पर डिस्प्ले भी लिख देते हैं, क्योंकि नेम में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। सो डिस्प्ले नेम इक्वल्स टू, हम इसमें क्या डाल देते हैं, एग्जाम नेम। ये इन चीजों पर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप लोगों को ये चीजें ज्यादा लुभाएंगी, और मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को इन पर ज्यादा फोकस भी करना चाहिए। ठीक है, अब डेट स्टार्ट डेट टाइम हो गया, टाइम हो गया, ग्रुप्स आईडी हो गई आप लोगों के पास। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी जो है हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम लोगों को मॉडल में चाहिए होती है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। एक तो चाहिए हम लोगों को एग्जाम्स लिस्ट, ठीक है, एक चाहिए टोटल काउंट, ठीक है, और एक चाहिए ग्रुप लिस्ट। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी तो हम लोगों को चाहिए चाहिए इसमें एक एक्स्ट्रा, क्योंकि जो हम लोग पेजिंग दिखाएंगे ना तो उसमें हम लोगों को एग्जाम लिस्ट चाहिए होती है। तो लिस्ट ऑफ एग्जाम व्यू मॉडल, और यहां पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, एग्जाम लिस्ट। ये तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एंड नेक्स्ट में टोटल काउंट भी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो प्रॉप इंटीजर टोटल काउंट, ताकि हम लोगों को कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, पेजिंग दिखाएंगे ना नंबर ऑफ एग्जाम्स में। एक हम लोगों को ग्रुप लिस्ट चाहिए, ठीक है, ग्रुप्स की, तो प्रॉप आई इनुमरेबल ऑफ ग्रुप यानी कि क्लास। तो हम लोगों को एग्जाम व्यू मॉडल में ग्रुप लिस्ट दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ग्रुप मतलब क्लास कितनी है एग्जाम के अंदर, है ना, कौन सी क्लास का एग्जाम है। तो एक हम लोग क्या दिखाएंगे, ग्रुप्स, सॉरी ग्रुप्स, एक्चुअली में मॉडल है डाटा एंटिटी, ओके। एंड द फाइनल इज आप लोगों को जो प्रॉपर्टी है वो दिखानी पड़ेगी, ग्रुप लिस्ट। ठीक है, तो यहां पर आ गया ये प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पर होगी। अब हम लोगों को एज यूजुअल वो कन्वर्जन वाले जो हैं वो भी लगाने पड़ेंगे। तो फाइनली हम लोग वो लगा लेते हैं, जैसे कि हम लोगों को एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर चाहिएगा। फाइनली हम लोगों ने एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब दूसरा हम लोगों को चाहिए है जो कि कन्वर्ट करेगा आप लोगों के व्यू मॉडल के अंदर मॉडल्स को, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, मॉडल लिखेंगे एग्जाम्स। तो यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास मॉडल। एक्चुअली में एक ही तो करना पड़ता है हम लोगों को, वही हम लोग व्यू मॉडल के लिए भी कर देते हैं। आईडी इक्वल्स टू मॉडल डॉट आईडी हो गया, नेक्स्ट टाइटल इक्वल्स टू मॉडल डॉट टाइटल हो गया, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन हो गया, एंड द नेक्स्ट आप लोगों के लिए स्टार्ट डेट हो गया, एंड द नेक्स्ट टाइम मॉडल डॉट टाइम हो गया आप लोगों के पास, एंड द नेक्स्ट ग्रुप्स आईडी, ये आप लोगों के पास हो गया मॉडल डॉट ग्रुप्स आईडी। ठीक है, तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। एम नेक्स्ट आप लोगों के पास कन्वर्ट व्यू मॉडल होना चाहिए। तो पब्लिक हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न क्या करेंगे, एग्जाम्स रिटर्न करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कन्वर्ट व्यू मॉडल, और इसमें हम लोगों को व्यू मॉडल डालना है ना, तो एग्जाम्स व्यू मॉडल, सॉरी एग्जाम व्यू मॉडल, और इसमें हम लोग डाल देते हैं, ये एक्चुअली में है मॉडल, लेकिन ऊपर वाली प्रॉपर्टी हम लोगों को जस्ट कॉपी पेस्ट करनी होती है, इसीलिए मैंने मॉडल इसमें डाल दिया। ठीक है, तो सिमिलर है, टाइम भी वही है, हम लोगों को यही है, जैसे कि आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, टाइम एंड ग्रुप्स आईडी, जस्ट कॉपी किया एंड द पेस्ट। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, रिटर्न, रिटर्न आप लोगों को करना है न्यू एग्जाम्स। ठीक है, एंड द फाइनली आप लोगों को ये मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया, यहाँ पर आप लोगों को यही लिखना है। ठीक है, बस सेमी कॉलन की जगह कोमा कोमा। ठीक है, तो एवरीथिंग इज फाइन, जो चीजें आप लोगों के सामने हैं वो आप लोगों के सामने हैं ही, और जो नलेबल प्रॉपर्टीज हैं उनको भी आप लोग जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी हो गई। अब अगर हम लोगों को नलेबल प्रॉपर्टी में भी देखना है कि आप लोगों को इसमें नल वैल्यू भी डालनी चाहिए, तो जैसे कि अगर ये टाइटल एम्प्टी हो तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन अगर आप लोगों का एम्प्टी हो तो यहाँ पर भी आप लोग नल वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलर आप लोग इसमें भी कर सकते हैं, तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए। तो
ठीक है, और ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई आप लोगों के पास। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों ने एग्जाम व्यू मॉडल भी बना लिया है। आगे भी हम लोग व्यू मॉडल पर ही अभी काम करेंगे, लेकिन अभी वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि लोग वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को देखें। एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके तरीके से आप लोगों को देखना चाहिए। और आप लोगों का काम जो है 15-20 मिनट का होता है, तो 15-20 मिनट आप लोग जो है मेरे चैनल को दे दीजिए रोज। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग थोड़ा बहुत समय देते हैं टेक्नोलॉजी क्रीड़ा को, तो आप लोग मास्टरमाइंड हो सकते हैं और आप लोगों की अच्छी सी जॉब लग जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।